B. 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 Move. B, Baba. Upar dekho, Babi, upar. B. B. Yo. B. Pop, pop. Oh, tum goo ka muh na dekho. Yahan aao, idhar aao. B. B. Aaja, aaja. Aaram se. हाँ सुरीली, आज हम तुम्हारे लिए ऊपर से आए हैं। कैसे लग रहे हैं? अरे अरे अरे, देख के गिर जाओगी। यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि हम टॉप पे आके लल्लन टॉप लग रहे हैं? तो फिर आज हम तुम्हारे लिए एक गाना गाते हैं, लल्लन टॉप। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना, कहो प्यार है तुमसे। ए विजी पांडे, मौसी की छत टूट जाएगी, काहे नाच रहे हो? का हुआ? मौसी घर पर नहीं है का? एंदो, का हो गया है? कौन चला है छत पर? अरे मौसी देखो तो, आसमान से फरिश्ता टपका है तुम्हारी छत पे। हाँ बिची, रुक जा, आती हूँ। छत पे चढ़ा, देखो तो। मौसी पहले पकड़ के तो दिखाओ, हनुमान जी बना है, फुदक फुदक के निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा? छोड़ दो, फुदकते तो पिताजी थे। अरे हटो भाई, ओहो, अरे हटो, अरे हम इसे फुदकना नहीं देंगे। दीदी हमने इसे घेर लिया है। अच्छा, क्या कह रहा है छोटू? हमने भी यहाँ से घेर लिया। क्या कर रही है? पकड़म पकड़ाई खेल रही है क्या? नीचे उतरने तो दीजिए। ऐसे नहीं उतरने देंगे, आज तो इसे मुर्गा बना के छोड़ेंगे। अरे मुर्गा तो पिताजी बनते थे, हम इसे मुर्गी बनाएंगे। ये बात मामा। ए बिजी, मुर्गी बन जाओ ना, मौसी छोड़ देगी। अरे ऐसे कैसे बन जाए आंटे? लपड़ मारेंगे। अरे जल्दी से बन जाओ ना मुर्गा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। पूरा गांव सारा काम काज छोड़ के तुम्हारी ये रास लीला देख रहा है। हाँ चलो बनो, मुर्गा बना, चलो। बी बी कुकड़ू 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 कुकू। बन जाओ भैया, प्यार में जब कुत्ता बन सकते हो तो मुर्गा क्यों नहीं। अच्छा बनाओ, ठीक है बनते हैं। देखा है दो, देखो हमारे छत पे मुर्गा बैठा है। चुप है बिजी, दोबारा चढ़ोगे छत पर? अरे मौसी ना ही चढ़ेगा, अगर सामने के दरवाजे से आने दोगे तो कभी ना ही चढ़ेगा। ऐसे कैसे हैं? ए देखो बिजी, दोबारा छत पे चढ़े ना तो हमसे ज्यादा खूंखार कोई नहीं होगा। भागो भैया, भागो, भागो। बहुत खूब गुड्डू, मजा आ गया। पापा का कसम बाबा, हम तुमको तो देख लेंगे बे। रुक जा गुड्डू, आराम से है, पकड़े रहने दे। बता रहे मामा, तुमको तो बाद में देख लेंगे। भाग पे गुड्डू। अरे रुक जाओ, पहले हमको उठाओ दीदी। और जा छोटू, और जा, हम आलू पूरी बनाए हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, और हलवा भी? कुछ नहीं बनाए हैं, हैं? तुम्हें उठाने के लिए कह रहे थे, चल अंदर। भैया आप साइकिल पकड़ो, हम बम लेके आते हैं। यार गुड्डू देखो, हम शरीफ लोग हैं, मामा और मौसी छिचोरे लोग हैं, समझे कि नहीं? लेकिन भैया जैसे आपको मुर्गा बनाया ना। भाई चुप रहो ना, बार बार याद क्यों दिला रहे हो? और सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं। का छुपा रहे हो बे? कुछ नहीं छुपा रहे हैं, आप जाइए घर, आपके लिए आंटी ने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे सुनो, लेकिन तुम्हारा चेहरा लौकी की तरह काय लटका है? अरे भैया को मौसी। अबे तुम चुप रहो, ऐसा है मुकंदी भैया, आप लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत और रोमांस की बातें नहीं समझेंगे, समझे? अरे हम क्यों नहीं समझेंगे? प्यार का कॉपीराइट क्या सिर्फ तुम्हारे ही पास है?
लाइन मारना क्या सिर्फ तुमको ही आता है बे? अबे गुड्डू ये भी? हाँ भैया वो भी एकदम देवानंद स्टाइल में। मुकंदी भैया क्या आप अपने टाइम पे गर्लफ्रेंड बनाते थे? भाई हमारे जमाने में उसे गर्लफ्रेंड नहीं माल कहते थे। माल? और लड़कियों से भरे रिक्शे को मालगाड़ी। अच्छा और उन दिनों वक्त काफी था, सारी जिंदगी सेविंग में डिपॉजिट सी लगती थी। प्रेम करना बचे हुए टाइम का सबसे अच्छा प्रयोग या टाइम पास माना जाता था। मोहल्ले का सबसे बिजी लड़का सबसे बड़ा आवारा गर्द माना जाता था। आवारा गर्दी सबसे बड़ी व्यस्तता थी। वो भी क्या दिन थे जब हम लाइन मारा करते थे। मेरे दिन ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले तेनू दिल दा वास्ता रबाया धर पे याद के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता आज दिन चाहूं रात दिन जिसे रब मेरे नाम करूं से तेनू दिल दा वास्ता अज दिन तेरे रंग वरगा। दूध चाहिए? पाव भर दूध दे दो। लापतागंज से लालगंज तक आप 3 किलोमीटर साइकिल चला के पाव लीटर दूध लेने पाए? इस दूध में क्या है? इस दूध में मेरी जान है। हा? मतलब तुम्हारे दूध में जान है। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मेरे दिन जीना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे जब गले तेनू दिल दा वास्ता रबाया घर पे यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चलिया
अरे 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 क्या हुआ मुकंदी भैया? कुछ नहीं, बस जरा पीछे चले गए थे, वो भी क्या दिन थे। अच्छा, तो आप भी क्या जुझारू टाइप पिछलग्गू लवर थे? भाई हमारा भी एक अपना अंदाज था कि बस पीछे लगे रहो, एक टक देखते रहो, छोड़ो नहीं जब तक कि कमबख्त पलट के ना मुस्कुराए। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, आजमा के देख लो। ओके, तो फिर गुड्डू आओ हम भी सुरीली को एक टक देखे। टक टक टक। अब गुड्डू, सुरीली तो हमारी तरफ पलट के देख ही नहीं रही है। अरे भैया, भाभी की आंखें आगे है, सर के पीछे नहीं। बेटा, प्यार में आंखें चार होती है तो चार आंखें भी हो जाती है। अभी पलटेगी। सुरीली प्लीज एक बार पलट के देख लो, प्लीज सुरीली एक बार पलट के देख लो। देखो, तुमको हमारे प्यार की कसम है, तुमको हमारे मोहब्बत की कसम है सुरीली। देखो, तुमको हमारे पापा की कसम है सुरीली, तुमको कमबख्त मामा की कसम है सुरीली। एक बार पलट के देखो सुरीली, प्लीज आई लव यू सुरीली, एक बार पलट के देख लो। पलट के देख। आए हाय, क्या टेक्निक है बे। भाई ये अंदाज हमें हमारे गुरु जफर भाई ने सिखाया था। अच्छा, तो क्या आपके जफर भाई भी बहुत बड़े लवबाज थे? नहीं, वो बहुत बड़े लवबाज थे। भाई देखो, लड़कियां फुटबॉल की तरह होती हैं, जिसके पीछे कई खिलाड़ी पड़े होते हैं। बस तुम धैर्य रखो और नजर फुटबॉल पे गड़ाए रखो, और जहां जहां से होती हुई जाए बस उसी के पीछे ऐसे ऐसे चलते रहो, चलते रहो। जहां से मिलती है वहीं से अपने गोल की तरफ, मतलब अपनी मंजिल की तरफ ले जाओ, अपने गोल में डाल दो। ऐसे जिसने बॉल गोल में डाली, लड़की उसी की होली, बस। और अगर किसी और ने गोल कर दिया तो? कोई बात नहीं, दूसरी फुटबॉल से खेलो। हाँ भाई, हाँ, यहाँ पे नेशनल टीम की तरह बन जाओ, गोल हो ना हो तुम खेलते रहो, खेलते रहो। वो रोज सुबह दूध लेने आती थी और सुबह होने से पहले ही मैं वहां पहुंच जाता था दूध लाने, लापतागंज से लालगंज 3 मील दूर साइकिल चला के। उसके इंतजार में दूध पीते पीते हमारी सेहत भी अच्छी हो रही थी। अरे और कितना दूध पीगा बाबू? और दूध चाहिए? आपकी सब्जी गिर गई। जी बात, हम पकड़ने का? हाँ हाँ, इंदु बिंदु पकड़ा लो, लो लो, चलो पकड़ा। अरे पकड़ा दे ना, लो लो, चल चल, आ जा, ये रख दो। जी बात, लो बख्शीश। जी ये क्या कर रही हैं आप? 10 रुपए कम है क्या? नहीं नहीं, पैसों के लिए नहीं किया है हमने ये सब। नमस्ते। अरे सुनो सुनो। जी कल दिन में क्या कर रहे हो? जी खाली है। अच्छा, तो आ जाना राशन लाने। अम्मा, क्या हुआ, काहे चला रही हो? अम्मा सामान लाए। हाँ, ले आए सारा सामान? जी जी ले आए। काहे लबलबा रहे हो? जी कुछ नहीं, वो का करते का हो तुम? जी हम ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं। जी बात। अच्छा। ए इंदु बिंदु, हमें तो लड़का पसंद है, तुम्हें? अम्मा हमका भी बहुत पसंद है। तुम्हें हम कैसे लगे? हा? जी अरे मतलब हम, हमारा परिवार कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे घर में रहोगे, घर का सदस्य बनके? अरे मुंह खोले काहे खड़े हो, बोलो ना। जी वो नहीं, बोलो रहोगे? अम्मा बोल
बोलने तो दो। हाँ हाँ बोलो बोलो। जी वो पिताजी बात करेंगे। अरे वाह बड़े संस्कारों वाला लड़का है। ठीक है पिताजी को लेके आना फिर उनसे सारी बात पक्की कर देंगे। क्या डायरेक्ट रिश्ते की बात? हाँ हमको भी लगा कि लगा पापा कसम आपके पापा को बुला लिया। अबे गुड्डू ये टेक्निक आज तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई यार? हम आज तक मामा और मौसी को अपना दुश्मन समझ के लड़ते रहे और हारते रहे बे। अरे वो अरे एक मिनट चुप रहिए भैया। हमारे पापा भी कहते थे। क्या कहते थे बे? कहते थे अगर दुश्मन तगड़ा हो तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और रियली तो फिर ठीक है अब हम मौसी से दोस्ती करेंगे सुरीली को नहीं मौसी को पटाएंगे। चल बे गुड्डू। अबे सुनो तो हमारी पूरी कहानी मुकंदी भैया आपकी कहानी के दी एंड हो चुका है। हमारी कहानी की बिगनिंग तो होने दीजिए। चल साइकिल निकाल। अबे बीजी पांडे हमारी बात तो सुनो यार। ये ऐसे कहां चला गया बिगनिंग बिगनिंग करके? पता नहीं हमारी पूरी कहानी सुने बिना ही भाग गया। कौन सी कहानी सुना रहे थे हम? कभी सुना ना ऐसा कहानी ना ही सुनाए। वही तुम्हारी कौन सी कहानी तुम्हारी अम्मा की बात। अम्मा की बात? हाय दया अब न जाने बिजी पांडे क्या करेगा। सुरीली वेर इज योर मौसी? मैं मतलब मौसी कहाँ है? मायोर बी ई या मामा बाबा बाबा। सुरीली आई एम सॉरी आज हम तुम्हें नहीं मौसी को पटाने आए। सुरीली फिर से सॉरी ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है मौसी के लिए है। भाई मौसी कहाँ है हम मिस कर रहे हैं उनको। पापा कसम याद से आ रही है तड़प से गए हैं। मौसी कहाँ है आप? अरे मौसी कहाँ हो तुम? मौसी पुकारू मैं बन में मेरी मौसी छुपी मेरे मन में। ए बिजी तू फिर आ गया? चल भाग यहाँ से चल भाग। लिसन मौसी चुप रहिए पापा कसम हमको ठीक से देख तो लेने दीजिए। कितनी हैंडसम लग रही है पापा कसम ऐसा लगता है कि फूलन देवी और श्री देवी का मिक्सचर। ओह माय गॉड देखिए ना मौसी हम आपके लिए क्या लेके आए। समोसा लाए हैं जलेबी लाए हैं ये साड़ी लाए हैं ये भी लाए हैं। मौसी कब से सर पर बोझ लेके खड़ी है हल्का कर दो। ओ सुरील इसको पकड़ोगी? लाइए मौसी प्लीज हमको दीजिए हम हमारे कुछ नहीं। अरे हमने हल्का कर दिया। अरे अगला पापा क्या है? ओहो मामा आई लव यू। ओ सुरीली तुम समझोगी नहीं देखो मामा में दो बार माँ आता है माँ माँ इसीलिए हम मामा को डबल प्यार करते हैं। आ जाओ ओ, हो, क्या है? अरे मामा आप इतना थक गए होंगे बोझा उठा के। अरे तो उठा लो। ओके अबे गुड्डू उठा लेते हैं। अरे 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 भाई हमें अरे 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 हमने पापा कसम कसम खा ली है कि हम आप सब लोगों का बोझा उठाएंगे। सुरीली हट जाओ प्लीज। अरे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कहाँ गया है? रावण राम कैसे बन गया है?